那么。ada दो घंटे के लिए इसको छोड़ दें नमक और आटा लगाने के बाद, और देखते हैं इसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे इसके साथ पेश आएंगे हम। तो टाइम जो है वो ओवर हो गया, तो आप देखिए मैं आपको बताऊं ये ओचरी हमने जल्दी से कैसे साफ़ कर लेनी है। ये देखिए अगर आपने चेक करना है कि ओचरी का टाइम पूरा हो गया तो या ये सेट हो चुकी है कि नहीं, तो आपने क्या करना है फिंगर की मदद से इसको पकड़ना है और ऐसे खींचना है। अगर इसकी स्किन उतर गई तो मीन कि ये रेडी हो गया, अब इसको हमें साफ़ कर लेना चाहिए। तो ये रेडी हो चुकी है, तो मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाती हूँ कैसे साफ़ करनी है। तो चलिए कर लेते हैं इसको साफ़। इसको हम उठा लेंगे यहाँ से, इसको इधर रख लेंगे क्योंकि जब इसमें के ऊपर से हमने छिलका उतारना है, ये जो उतारना है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे ताकि यहाँ गंद भी ना पड़े, साफ़ भी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्ट करेंगे हम एक साइड से, इसको ऐसे भी करेंगे तो आप उतर जाएगा, लेकिन अगर आप नाइफ़ लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, नाइफ़ की मदद से कर लें, ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। ये देखिए ये बिल्कुल आराम से उतरता जाएगा, नाइफ ले लेती हूँ। देख रहे हैं कि ज़्यादातर तो साफ़ हो गया है, लेकिन थोड़ी अंदर से रह गई है, तो इसको भी हम एक जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। तो आपने कभी भी ओचरी ज़ाया नहीं करनी, ये स्टोमिक के लिए बहुत अच्छी होती है। जिन पेशेंट को, जिन लोगों को स्टोमिक की प्रॉब्लम होती है, वो ओचरी ज़रूर खाएं, उससे ये होगा कि आपका स्टोमिक का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखें इसका, ये बहुत ही आसान तरीका है, आपने जो है वो इस तरीके को फॉलो करते हुए ज़रूर ओचरी साफ़ करनी है। और मुझे बताना है आया कि आपको कोई ट्रबल तो नहीं हुआ। और ये जो है गर्मियों में इसका टाइम इतना काफ़ी होता है, सर्दियों में आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम रख लेना है इसको, जिससे जल्दी से सफाई हो जाएगी और आपको कोई मुश्किल भी नहीं पी जाएगी। ये देखिए आप इसको अगर ऐसे करके ऐसे करेंगे तो इसकी स्किन उतर जाएगी, देखिए, तो आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी और ओचरी भी साफ़ हो जाएगी और आप इसको इंजॉय भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कभी भी ओचरी बाहर ना फेंकें। ये थोड़ी जो देर लग रही है वो इसलिए लग रही है क्योंकि नीचे जो है वो स्टील है, तो उसके ऊपर से ये स्लिप हो जाती है। तो इसको मैं एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा इसको मैं जो है वो छुरी की मदद से एक दफ़ा इस पर लगाऊँगी ताकि ये अच्छी तरह से जो स्किन रह गई है वो भी उतर जाए, और फिर अंदर की तरफ से इसकी सफाई करनी होगी। वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, पहले मैं इसको वॉश कर लूँगी। उसके लिए मुझे ये यहाँ से उठा लेना होगा। पहले तो हैंड वॉश करने होंगे।
आपने चूल्हे पे रखना है, क्योंकि अगर आप नया बर्तन लेंगे उसमें पानी बॉयल करेंगे उसमें ये साफ़ करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि इसको गर्म कर लेना है, जैसे ही ये खोलने लगे मतलब कि फुल जोश में हो तो फिर हम इसके साथ क्या करेंगे वो आपको बताऊँगी।